आप देख सकते हो सेम सीएनसी मशीन जैसी वाइंडिंग है, कोयलों के बीच में आप गैप देख सकते हो कितना गैप है। जिस प्रकार से हमारी कंपनी की वाइंडिंग होकर आती है सेम उसी प्रकार से वाइंडिंग है, ज्वाइंट एक भी नहीं है स्टेटर में। जीरो से वाइंडिंग स्टार्ट लास्ट तक बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये हमारे पास सीलिंग फैन का स्टेटर है जो कि 12+12 कोयल का है, 24 कोयल का। तो मैं कॉपर वायर से वाइंडिंग करूँगा 35 नंबर से। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ हमारे पास निशियाम की मशीन है, वो भी हैंड वाइंडिंग जो हाथ से चलती है। ये इसका मीटर है, मैंने ये वायर का रोल रखा हुआ है, कॉपर वायर का है 35 नंबर। तो स्टेटर कुछ इस प्रकार से आपने सेट कर लेना है। सबसे पहले आपने जो स्टेटर का ये सिरा होता है यहाँ पर वायर निकालने के लिए, ये आपने सामी रखना है ताकि हमारी कनेक्शन वायर सीधी यहाँ से निकलकर बाहर निकल जाए यहाँ से। तो स्टेटर मैंने सेटिंग कर दिया, डाई की सेटिंग। आपको आज मैं इस वीडियो में पूरा वाइंडिंग सिखा दूंगा, आपने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमारा 12+12 का है, तो इसके अंदर मैं 350 और 370 टन डालूंगा। सबसे पहले हमें वायर का ओड इस प्रकार से निकाल कर इस सापट पर लपेट लेना है। आप ये देख सकते हो मैंने वायर यहाँ पर लपेट लिया है, फिर हाथ से कुछ इस प्रकार से 2-3 टन आपको डाल के देखने हैं। तो इसमें जब वाइंडिंग हम करते हैं फैन की, तो एक हमारे सीधे चक्कर में होती है कोयल, एक उल्टे में। तो ये मैं उल्टे कोयल में वाइंडिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो हमारी पहली कोयल 350 टन डल चुके हैं, उल्टे चक्कर में थे, अब हमें ये सीधे चक्कर में डालने हैं। पहले आपने हाथ से इस प्रकार से घुमानी है, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करना है। हमारी दूसरी कोयल भर चुकी है, तीसरी कोयल फिर हमें उल्टे चक्कर में भरनी है। एक उल्टे चक्कर, एक सीधे, एक उल्टे, कुछ इस प्रकार से इस पंखे की वाइंडिंग होती है। सेम डायरेक्शन में वाइंडिंग नहीं करनी है, आप सर्व जिससे करते हो हर बार विपरीत करते जाना है। तो आप देख सकते हो हमारी वाइंडिंग कंप्लीट होने को आ रही है। तो इस प्रकार से आप खुद वाइंडिंग कर सकते हो, बस आपको कोयल में ध्यान रखना है। पहली कोयल आपने उल्टे चक्कर में भरी है तो दूसरे सीधे चक्कर में, अगर पहली सीधे में भरी है तो दूसरी उल्टे में, इस प्रकार से आपने चेंज करते जाना है। तो इसके बाद हमारी दो कोयल बचेगी, फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। लास्ट में स्टेटर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगा वाइंडिंग भी। ये हमारी लास्ट कोयल है, ये हमारी लास्ट कोयल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपने वाइंडिंग करनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग की कोयल समझा दी है, रनिंग की आपने इसी प्रकार से करनी है। 20 टन का अंतर देना है, 350 है तो रनिंग में 370 टन आपने डालने हैं। आप देख सकते हो सेम सीएनसी मशीन जैसी वाइंडिंग है, कोयलों के बीच में आप गैप देख सकते हो कितना गैप है। जिस प्रकार से हमारी कंपनी की वाइंडिंग होकर आती है सेम उसी प्रकार से वाइंडिंग है, ज्वाइंट एक भी नहीं है स्टेटर में।